इन महाशय का नाम है अब्दुल्ला पठान और एक वक्त से इन्होंने YouTube पर अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू की थी। वीडियोस में ये अक्सर अपनी ताकत व शरीर का प्रदर्शन करते दिखाई देने लगे। इनकी बनाई वीडियो वायरल हुई तो देखने वालों ने इनकी सेहत व शरीर का राज पूछा। बस यहीं से शुरू होता है फर्जीवाड़े का खेल। अब अनपढ़ यूट्यूबर ने सोचा कि क्यों ना एक अस्पताल खोला जाए जिसका प्रचार सोशल मीडिया पर किया जाए, मासूम जनता को गुर्दा, लीवर, सेक्स से संबंधित समस्त बीमारियों से निजात दिलाने के नुस्खे बताए जाएं और बदले में हजारों लाखों रुपए वसूले जाएं। हुआ भी यही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी इलाके में रहने वाले यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान ने कुंदरकी में एक अस्पताल बनाया। अस्पताल का ना रजिस्ट्रेशन का पता, ना इलाज करने वाले की तालीम का पता, डिग्री के नाम पर सिर्फ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर वीडियो देखकर आसपास के कस्बों व राज्यों से लोग दवाइयों का ऑर्डर देने लगे। मरीजों से मोटी रकम 5,000 से 20,000 रुपए वसूल कर दवाइयां दी जाने लगीं और यूट्यूब व फर्जी हकीम या यूं कहें कि झोला छाप डॉक्टर के अस्पताल के बाहर मरीजों का तांता लगने लगा। अब्दुल्ला पठान के पास आने वाले मरीजों की बीमारी ठीक तो नहीं हुई, लेकिन अब्दुल्ला पठान के फर्जी अस्पताल की वजह से उनकी माली हालत जरूर ठीक हो गई। जानकारों का कहना है, बहुत कम समय में फर्जी हकीम व फर्जी डॉक्टर अब्दुल्ला पठान ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल देर से ही सही स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली तो यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान के ठिकानों पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग, ड्रग विभाग, आयुर्वेद विभाग की संयुक्त टीम ने झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप हकीम व यूट्यूबर पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। फर्जी अस्पताल में से एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक की दवाइयों के 36 सैंपल सील किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के छापे की भनक लगते ही यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान मौके से भाग खड़ा हुआ। इस पूरे छापेमारी में नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल एवं आयुर्वेद एवं ड्रग इंस्पेक्टर छापेमारी में रहे मौजूद। एक्चुअली एक अब्दुल्ला पठान के नाम से यूट्यूबर्स हैं, उसमें कुछ मेडिसिन्स का वो व्यवसाय करते थे, तो उनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद ने एक कंबाइंड टीम गठित की थी जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर और आयुर्वेदिक क्षेत्रीय यूनिट्स को भी उसमें सम्मिलित किया गया, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट को भी उसमें सम्मिलित किया गया। उसके आज यहाँ पे उसके नमूने यहाँ से लिए गए हैं, तो जो शिकायत मिली थी तो उसके साथ में जो भी विधिविक कार्रवाई होगी इस सैंपल के रूप में ये भेजे जाएंगे लेबोरेटरी में कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें यह पाया गया है आज निरीक्षण के दौरान कि उस पर कोई भी पेटेंट नाम, किसी कंपनी का नाम इत्यादि नहीं लिखा हुआ था, तो उसके लिए जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इलाज के नाम पर चल रहा फर्जीवाड़े के इस खेल का अंत कब तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायरेक्ट पॉइंट न्यूज़।